इस तरह की इफ्तार पार्टी में तो सबको निमंत्रित किया जाता, सरकार की तरफ से भी हम लोग शुरू से करवा रहे हैं परंपरा, तो भाई उनके द्वारा आमंत्रित किया गया तो गए, उस पर तो सम्मान तो व्यक्त करना ही नहीं चाहिए भाई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के इफ्तार पार्टी में शामिल होकर सबको चौंका दिए थे। तेजस्वी के बुलावे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचानक राबड़ी आवास पहुंचे थे और तेजस्वी यादव के इफ्तार पार्टी में शामिल हुए थे। नीतीश कुमार जब मीडिया कर्मियों ने इस पर बात की तो उन्होंने कहा कि कोई बुलाएगा तो जाएंगे ही। पहले सुनिए नीतीश कुमार क्या कुछ कह रहे हैं। भूमिका और जिस तरह से आप जानते हैं समाज के सभी तबकों को जोड़ करके चलते थे, इस बात को याद रखना चाहिए कि समाज के हर तबके के, और हिंदू मुस्लिम समाज का कोई भी तबका का आदमी हो, अपर कास्ट के लोग हों, पिछड़े जाति के लोग हों, अति ये आपका आप समझ लीजिए कि ये सब दलित समाज के लोग हों, सब लोगों को जोड़ करके वो चलते थे, और हिंदू मुस्लिम सबको, और उस लड़ाई में कितने लोगों की उन्होंने भूमिका लगाई थी, तो ये सब चीज़ याद करना चाहिए भाई कि इनकी जो भूमिका उस समय के उन्होंने जो किया था आज से कितना साल पहले किया था, तो हम सब लोगों को, इसीलिए हम लोग इसको जितना संभव हुआ उनकी स्मृति में, खैर यूनिवर्सिटी तो पहले बन गया था लेकिन तो हम लोगों ने उसके अलावे और सब कुछ किया है ना भाई, जो बनाया गंगा नदी पर ब्रिज बनाए तो उसका भी नामकरण कर दिया, और फिर जब हम ये बनाए एग्रीकल्चर कृषि विश्वविद्यालय बनाए तो उनका भी नामकरण किया, और जहाँ पर ये इनका जगह था उस जगह को जगदीशपुर को कैसे विकसित किया, और कितनी बार हम लोग जाते रहे तो सब हम लोग करते रहे, तो आज के दिन फिर आने का मौका मिला तो भीतर से तो बड़ी पसंद मन की खुशी न होती है, हम लोग तो बचपन से इन सब चीज़ों को सुनते रहे जानते रहे, तो आज आने का मौका मिला है, अभी 2 साल कोरोना के चलते मौका नहीं मिलता था, अब मौका मिलता है तो बहुत बहुत भीतर से मन को खुशी होती है। इफ्तार पार्टी में गए पॉलिटिकल कयास कुछ लोग लगा रहे हैं, इसका पॉलिटिक्स से क्या मतलब है, इस तरह की इफ्तार पार्टी में तो सबको निमंत्रित किया जाता, सरकार की तरफ से भी हम लोग शुरू से करवा रहे हैं परंपरा, जब से हम हैं तब से कराते हैं, सभी पार्टी के लोगों को सब लोगों को बुलाते हैं, दूसरे पार्टी के लोग भी करते हैं सबको बुलाते हैं, उसमें तो कोई भी बुलाएगा और आमंत्रित करता है तो जाते ही नहीं जी, और उसमें सबको बुलाता है, हर अलग अलग पार्टी के लोग भी करते हैं, तो भाई उनके द्वारा आमंत्रित किया गया तो गए, उस पर तो सम्मान तो व्यक्त करना ही ना चाहिए भाई, श्रद्धा जो उनका पर्व चल रहा है तो ऐसे अवसर पर तो हम लोग करते ही ना है, तो इसलिए गए, उसका राजनीति से क्या मतलब। सुशील मोदी ट्वीट कर रहे हैं कि एनडीए के नेताओं को सोचना चाहिए कि जो अग्रणी वर्ग है उसका एक तबका जो है वो छिटक गया खिसक गया तभी बोचना में हार गए, ये ट्वीट किया था, वो क्या बताए उमर सिंह के याद में सब कुछ आयोजित किया जाता है और ये बिहार में बहुत जमाने से किया जा रहा है, ये सब तो आपको मालूम है, और उसी सिलसिले में हम लोग आते ही हैं, और इस सिलसिले में हम लोगों ने काफ़ी पहले कार्यक्रम किया है, अब बीच में 2 साल जो कोरोना का दौर चला गया था तो आज फिर आने का मौका मिला है तो बड़ी खुशी हुई है, और जानते हैं बाबू वीर कुंवर सिंह का जो योगदान है इस देश में आज़ादी की लड़ाई सबसे पहले उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा गया था, आप समझ लीजिए 1857 की बात है, और जो उस तरह से पूरा लगभग 1 साल के करीब में वो लड़ाई लड़ी और देश के किस किस हिस्सों में नहीं गए, और उस समय के जो फोर्स में थे पुलिस में थे आर्मी में थे उसमें से कुछ लोग जो भारत के थे उन्होंने रिवोल्ट किया था और इनके साथ थे, तो कितनी बड़ी बात है, जो पुराना ऐतिहासिक चीज़ है आप सब जानते हैं कि इस विषय पर कितना कार्यक्रम हम लोगों ने किया, उन सारी बातों को भी रखा है, तो हम लोग तो करते ही रहते हैं, और यहाँ भी देखिए यहाँ पर हम लोग इनको स्थापित किए, पहले यहाँ थे बीच में, अब यहाँ करके और पूरा का पूरा एरिया को इन्हीं से नामकरण कर दिया, और इसका किस तरह से विकास कर रहे हैं, खेल कूद से लेकर के एक एक चीज़ का सब कुछ किया जा रहा है ताकि नई पीढ़ी को मालूम हो कितनी बड़ी इनकी भूमिका, तो नई पीढ़ी के लिए, और आप जानते हैं कि हम लोग तो मैंने बच्चों के पढ़ाई में भी इनकी जो भूमिका है उसको शामिल किए ताकि सबको मालूम होता रहे कि बाबू वीर कुंवर सिंह का कितनी बड़ी भूमिका रही, तो सब कुछ रहा है, तो हम लोग तो अपने बिहार में मनाते ही हैं, लेकिन एक भी चीज़ है हमारी इच्छा शुरू से रही आज से नहीं,
हम शुरू से कह रहे हैं इसको तो राष्ट्रीय स्तर पर करना चाहिए। बाबू वीर कुंवर सिंह की जो भूमिका थी अब कोली बिहार में किए थे, वो तो पूरे बिहार के बाहर भी दूसरे राज्यों में भी गए थे ना, इसलिए हम लोग आज से नहीं बहुत जमाने से कह रहे हैं कि इनके कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्तर पर कर किया जाना चाहिए, ताकि सबको मालूम होना भाई आज़ादी की लड़ाई कब से शुरू हुई। अंग्रेजों का राज था तो कब से आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई, और सबसे पहले उन्होंने जो काम किया, क्या उम्र थी उनकी सोच लीजिए, 80 साल की उम्र में, और उन पर जो अटैक हुआ इसके बाद भी वो इसके लिए अपना किया, और अंत में इनको जीत तो हासिल ही हुई। तो आपने सुना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, उन्होंने कहा कि कोई सम्मान से बुलाएगा तो जाना पड़ेगा। नीतीश कुमार ने कहा कि रमजान का पवित्र महीना है और पाक मकसद के साथ रोजेदार रोजा रखते हैं। तेजस्वी यादव की तरफ से इसी को लेकर बुलावा आया था। इफ्तार पार्टी का आयोजन सभी राजनीतिक दलों के तरफ से किया जाता है और सभी राजनीतिक दल के लोग एक दूसरे को इफ्तार पार्टी में बुलाते हैं। मैंने भी तेजस्वी को बुलाने पर वहाँ जाने का फैसला लिया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज तेजस्वी यादव की इफ्तार पार्टी में शामिल होने को लेकर जिस तरह से प्रतिक्रिया दी, उसे देखकर लगता है कि वह बेहद सहज थे। आपको बता दें कि शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राबड़ी आवास पहुंचे थे और अपने आवास से वो पैदल ही राबड़ी आवास को रवाना हो गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव बिहार। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।